बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह कंप्यूटर को एजुकेशन, मेडिकल, बिजनेस, एयरलाइन और वेदर फोरकास्टिंग के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज यानी कंपनीज में कंप्यूटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है वो है, इट इज यूज टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यानी किसी भी कंपनीज में, किसी भी इंडस्ट्रीज में जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं और उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के थ्रू, तो उन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर्स के जरिए। और दोस्तों याद रखिए, इंडस्ट्रीज के लिए आम यूज होने वाले कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक काम को ही करने के लिए बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स क्या क्या काम करते हैं। द फर्स्ट यूज इज दे हेल्प इन मॉनिटरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोस्तों, जिस तरह अगर कोई आयरन, प्लास्टिक, ग्लास या और दूसरी चीजों की कंपनी है तो उसमें पहले इन चीजों को पिघलाया जाता है, यानी उन्हें मेल्ट करने के लिए हर एक प्रोडक्ट को अलग टेम्परेचर पर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, प्लास्टिक अलग। तो इसलिए जरूरत पड़ती है इस तरह के कंप्यूटर्स की जो कि तमाम प्रोडक्ट्स के टेम्परेचर को मॉनिटर कर सके। और कंप्यूटर के जरिए मॉनिटरिंग का फायदा ये होता है कि कंप्यूटर से गलती के चांसेस कम होते हैं इंसानों की निस्बत। और टेम्परेचर को एक्यूरेट मॉनिटर ना किया जाए तो प्रोडक्ट्स खराब हो सकती हैं। इसीलिए आमतौर पर कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स की मॉनिटरिंग कंप्यूटर्स के जरिए ही परफॉर्म करवाती हैं। इस तरह प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रेशर का फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको भी कंप्यूटर के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, दीज कंप्यूटर्स ऑल्सो चेक द क्वालिटी, मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी और इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते वक्त उस प्रोडक्ट को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। उनमें से एक स्टेप प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटरमाइन करने का भी होता है, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानने का भी होता है। और उस प्रोसेस के जरिए ये बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट कितनी पायदार है, यानी ये कितने अरसे में ये प्रोडक्ट खराब हो सकती है, और इसी बिना पर आप किसी भी प्रोडक्ट को गारंटी दे सकते हैं। और इस क्वालिटी की का तायुन भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस के जरिए ही किया जाता है। इन डिवाइसेस में मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स और ऑटोमेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट की मेजरमेंट के लिए भी कंप्यूटर को ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक केमिकल की इंडस्ट्री है जिसमें मेजरमेंट के लिए कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम मैनुअली केमिकल्स को मिक्स करेंगे तो इंसान है, गलती कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि केमिकल के मिक्सिंग में जरा सी भी गलती से कोई और नया केमिकल बन जाएगा जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स के थ्रू केमिकल्स को मिक्स किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात है, एक केमिकल की बात है, इसके अलावा भी तमाम कंपनीज की प्रोडक्ट्स की मेजरमेंट के लिए कंप्यूटर्स को ही यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग इंडस्ट्रियल कंप्यूटर यूज किए जाते हैं जो कि अलग अलग फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करते हैं। तो दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड रोबोट्स, और उन कंप्यूटर्स को रोबोट्स कहा जाता है। आइए इन रोबोट्स की डिटेल्स को देखते हैं। रोबोट्स, अ रोबोट इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म्स मैकेनिकल टास्क। दोस्तों, रोबोट इस तरह की मशीन्स होती हैं जो कि प्रोग्रामेबल होती हैं। प्रोग्रामेबल के मायने हैं कि इसमें पहले से कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, और वो सॉफ्टवेयर ही उसे बताता है कि उसे क्या काम किस तरीके से करना है। और एक बार जब आपने रोबोट्स को प्रोग्राम कर दिया, अब आप जितनी बार चाहें उससे वो काम करवा सकते हैं। इसीलिए वी कैन से कि रोबोट्स आर ऑटोमेटिक मशीन्स, यानी एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद वो खुद से ऑटोमेटिकली मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि रोबोट्स को इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज किया जाता है। रोबोट्स आर यूज्ड इन हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम असेंबलिंग, स्प्रेइंग पेंट्स,
कैरिंग आउट मेंटेनेंस टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स। तो दोस्तों रोबोट्स को हजारों एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि रोबोट्स इंसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम करते हैं। इसीलिए आमतौर पर कार, ट्रक्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह की कंपनीज में रोबोट्स ही यूज किए जाते हैं और स्प्रेइंग पेंट्स, क्योंकि रोबोट्स के जरिए जब कार्स पर पेंट किया जाता है तो वो ना सिर्फ बहुत एक्यूरेट होता है बल्कि साथ के साथ वो पेंट्स को गिरने नहीं देते, यानी जाया नहीं करते। इसके अलावा वेल्डिंग और किसी भी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी इन्हीं रोबोट्स के जरिए करवाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर ऑटोमोबाइल्स या एयरक्राफ्ट की कंपनीज के अंदर जो वेट्स होते हैं इन चीजों के वो बहुत ज्यादा भारी होते हैं, तो इसीलिए रोबोट्स के जरिए ये तमाम काम करवाए जाते हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ कुछ किलो के ही वेट को कैरी कर सकते हैं जबकि रोबोट्स 100 और 1000 टन के वेट को भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड के सैंपल्स लेने के लिए स्पेस में सैटेलाइट वगैरह में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टाइप के रोबोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोबोट्स स्पेस वगैरह में भी मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कामों में भी रोबोट्स को ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों इससे हमें ये पता लगा कि ऐसी इन्वायरमेंट्स जहां आम इंसानों के लिए कामों को करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, वहां इनको यूज किया जाता है। इसका आप देख सकते हैं कि रोबोट्स कैन वर्क इन एनवायरनमेंट दैट आर हैजर्डस टू ह्यूमंस, यानी इस तरह की एनवायरनमेंट्स जहां पर इंसानों के लिए काम करना डिफिकल्ट होता है वहां पर ये रोबोट्स बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंसानों की तरह एक ही काम को कर करके बोर नहीं होते बल्कि बिना थके, बिना ब्रेक लिए एक्यूरेटली काम कर सकते हैं। इसीलिए अब ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज में ह्यूमंस को रिप्लेस करके कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स के जरिए अपने कामों को परफॉर्म करवाया जा रहा है, क्योंकि ना ही वो गलती करते हैं, ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं और बहुत ही स्पीड के साथ तमाम कामों को एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं। दोस्तों कुछ रोबोट्स के एग्जाम्पल आपकी बुक में भी मौजूद है, जैसे RX-32, M-16, IB-207 वगैरह, जो कि 300 से 800 तक के वजन को कैरी कर सकते हैं। यानी ये दोनों जो रोबोट्स हैं ये वेट लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जाना कि इंडस्ट्रीज के अंदर रोबोट्स के अंदर किस तरीके से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों जरूरी नहीं कि जो बॉक्स आपके सामने दिख रहा है वही कंप्यूटर हो, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो तमाम चीजें जो कि कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, दीज आर कंप्यूटर्स। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम इंडस्ट्रीज में मजीद किस तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी डिटेल्स देखेंगे।